Hello student, I hope you all are doing well. So in this video we are going to again solve the exercise of the lesson number 3, the enormous turnip. हम आए थे क्वेश्चन नंबर 12 पे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कहा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्री, हाउ आर दे यूजफुल टू अस, हाउ डू वी हार्म देम एंड आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग पिक्चर. हमें पिक्चर देखना है और हमें लिखना है, पहले तो पार्ट्स के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है कि यूजेस ऑफ प्लांट्स और ट्री और प्लांट्स के जो यूजेस होते हैं वो हमें लिखना है. उसके बाद वी हार्म प्लांट्स ट्री बाय और हम किस तरह उनको हार्म मतलब कि हानि पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, हम किस तरह उनका जो स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट का स्ट्रक्चर है किस तरह बिगड़ते हैं उसके बारे में हमें लिखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ट्री. तो नॉर्मली ये प्लांट्स हैं, हम यहाँ पे देखेंगे उसके पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है रूट्स हैं, ये रूट्स हैं. उसके बाद यहाँ पे देखो ये ई है, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है आपको ये है स्टीम है. ये सी नंबर में क्या है, यहाँ पे क्या है देखो फ्रूट्स है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ये लीव्स हैं और ये जो है ये जो यहाँ वहाँ जो डालियाँ जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांचेस कहेंगे. तो वो हमें नंबर वाइज हिसाब से लिखना है, लीव्स, फ्रूट, स्टीम, फ्लावर, ब्रांच और रूट्स. यहाँ पे ख़त्म हो गया. उसके बाद यहाँ पे देखो यूजेस ऑफ प्लांट्स और ट्री, तो इसका हमें क्या यूजफुल होता है. तो सबसे पहले ट्रीज प्रोवाइड अस ऑयल फॉर कुकिंग, हमें जो कपास या तेल होता है, सिंक तेल होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और ट्री में से मिलता है. उसके बाद देखो दे प्रोवाइड अस फायरवुड, लकड़ी हमें देते हैं. दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स टू इट, हमें वो फ्रूट्स देते हैं. फ्रूट्स कोई मैन मेड होते हैं नहीं, हमें एप्पल बना सकते हैं ऑब्वियसली नहीं बना सकते, हम सिर्फ मैन मेड चीज़ें बना सकते हैं बट वी कांट मेड एप्पल. उसके बाद देखो दे प्रोवाइड अस वेजिटेबल, हम जो भी वेजिटेबल खाते हैं वो हमें वहीं से मिलता है, हम ऐसे अपने हाथों से कुछ भी बना नहीं सकते, पोटेटो ग्रो नहीं कर सकते अपने हाथ से. तो ये यूज़फुल है, इसलिए हमें ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए. उसके बाद हम देखो यहाँ पे वी हार्म प्लांट्स ट्री बाय, हम किस तरह उसको हार्म पहुँचाते हैं, ट्रीज और प्लांट्स को जो भी है उसको हम किस तरह हानि पहुँचाते हैं उसके बारे में लिखना है. तो सबसे पहले नॉट वाटरिंग देम, हम पानी नहीं देते क्योंकि उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो पानी चाहिए क्योंकि वो हमें इतनी सारी चीज़ें देते तो हमें भी उनको देना चाहिए. तो सबसे पहले तो हमें पानी देना चाहिए. उसके बाद नॉट प्रोवाइडिंग देम नरिशमेंट, हम उनको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करते और हम क्या करते रहते हैं, कटिंग, हम उसको काटते रहते हैं. जंगल आजकल क्या होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, इसलिए जो मौसम है, एटमोसफेयर है, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. और आप देख सकते हो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, साथ ही में साथ ही बादल भी होते हैं, कुछ भी एटमोसफियर का बैलेंस इनबैलेंस हो गया. तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हार्म पहुँचाते हैं किसको, प्लांट्स और ट्रीज को. तो हमें ये सब करने से बचना चाहिए और जितना हो सके हमारे घर पे हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. और यहाँ पे आपने आज के लिए इतना ही, आपने पढ़ा पार्ट ऑफ प्लांट्स और ट्री और उसके बाद यूजेस ऑफ प्लांट्स पढ़ा और किस तरह हम उसको हानि पहुँचाते वो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ. टिल देन बाय बाय.